कर्नाटक में साइबर क्राइम के मामलों में इजाफा होने लगा है। इस साल 2023 से अब तक 465 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए हैं। औसतन फी दिन 1.27 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सीआईडी के अफसरों के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले में साल 2023 में साइबर क्राइम की शरह में 400 गुना इजाफा हुआ है। 2021 में 84 करोड़ और साल 2022 में 125 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी हुई थी। रियासत के मुख्तलिफ साइबर पुलिस थानों में पिछले साल 21,868 मामला दर्ज किए गए हैं। सिर्फ बेंगलुरु में 17,623 मामला दर्ज हुए हैं, जबकि दीगर अजला में 4,000 मामला दर्ज हुए हैं। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले नत नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुलजमान को पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, जालसाजी, कोरियर जैसी बातों को लेकर ठगी की जा रही है। सीआईडी के सरबराह एमएस सलीम ने बताया कि पिछले साल के आगाज में ओटीपी के सहारे ठगा जाता था। 6 माह के बाद मुंबई के समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से साइबर ठग पुलिस की शक्ल में फोन करके लोगों को ठग रहे थे। 70 साला एक सहाफी को फेडेक्स कोरियर के नाम पर 1,10,00,000 रुपये भी लूटे गए हैं। डीजीपी एमएम सलीम ने बताया कि लोग ऐसे मामलों से मोहतात रहें, हर मुमकिन कोशिश करें कि किसी भी गैर यकीनी शख्स को अपनी मालूमात, ओटीपी या फिर बैंक की तफसीलात फराहम ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंफ्लाट न्यूज़, बेंगलुरु।